I can too. Can you wait? अब पार्ट टू की शुरुआत जया से होती है, जहाँ पर वो हर दिन अपनी जवानी के अदाएं अपने जेठ विवेक को दिखाकर उसे अपना बनाने की कोशिश करने लगती है। और ये सारा खेल देखकर नंदिनी को जलन होने लगती है। इसलिए अब जया नंदिनी को कहती है कि देखो मेरा चमत्कार, अगर आप ऐसे ही करना चाहती हो तो रात को मेरे पास आ जाना, मैं आपको सब सिखा दूंगी। फिर रात को जया के कहे मुताबिक नंदिनी जया के कमरे में जाती है, जिसके बाद जया अपने तरीके से रोमांस करना सिखाने लगती है। वो अपने चमत्कारी हाथों के जरिए नंदिनी के बदन में आग लगा देती है, जिसके बाद आपको वेब सीरीज़ के स्टार्ट में ही बिल्कुल गर्मा गर्म वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। भाई ये दोनों ही चरम सुख की चाहत में पिगी बिल्ली बन जाती है और कुत्तों की तरह दोनों मस्त एक दूसरे को चाटने लगते हैं। और ये वाला सीन आपको बहुत ही पसंद आएगा, जो कि पूरे 10 मिनट का है। जया नंदिनी को बस गर्म करके छोड़ देती है, जिसके बाद नंदिनी को रहा नहीं जाता। पर जया ने आज के लिए बस इतना ही कहा है, अब आगे क्या क्या होगा ये तो बहुत ही मज़ेदार है। अब अगले दिन फिर से जया नंदिनी को चरम सुख वाली टिप्स देने लगती है। वो नंदिनी को अपना लुक चेंज करने के लिए कहती है और फिर से उसके शरीर को टच करके उस पर हवस चलाने लगती है। ओपी जया कितनी औसम है भाई, क्या रोमांस करती है। इस वाले सीन में भी नंदिनी और जया दोनों ही पूरी आग लगा देते हैं। अब नंदिनी को जया के साथ करके बहुत ही मज़ा आने लगता है। और फिर जया फिर से आधे रास्ते में छोड़कर नंदिनी को विवेक के पास जाने के लिए कहती है। पर जब वो अपना प्यारा वाला बदन विवेक को दिखाने लगती है तो विवेक उसे देखता भी नहीं, जिसके बाद नंदिनी बहुत ही नाराज हो जाती है। तो अब जया नंदिनी का जुगाड़ लगवाने के लिए कुछ अजीब सा जुगाड़ लाती है, मतलब कि रात को नंदिनी को बुलाकर उसे इस जुगाड़ के बारे में बताती है, जहाँ पर इनको सुख देने के लिए अखिल को आना पड़ता है। मतलब कि अब सब कुछ सीखने के लिए नंदिनी को अखिल के साथ पलंग तोड़ करना पड़ेगा। जया सब कुछ प्लान समझाकर फिर से नंदिनी पर हवस चलाने लगती है, जिसके बाद आपको पूरे पैसे वसूल वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। ये थ्रीसम वाला पलंग तोड़ सीन इतना गजब का है कि क्या ही बताऊँ। ये वाला सीन देखकर सच में आपका पोपट फड़फड़ाने लगेगा। और ये पूरा सीन 16 मिनट का है और सच में आपको ये पूरा ही सीन बहुत ही पसंद आने वाला है। और आप इस सीरीज़ के सभी एक एक सीन स्किप नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। अब नंदिनी इन दोनों के साथ करके बहुत ही खुश हो जाती है। तो लास्ट में जया उसे अपने पति के साथ जाकर ट्राई करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उसी हालत में विवेक के पास जाती है और ज़बरदस्ती टाइप से विवेक को चूमने लगती है। अब विवेक कुछ समझ पाता इससे पहले ही नंदिनी उसे कुत्ते की तरह चाटने लगती है, जिसके बाद आपको फिर से पूरा खतरनाक वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। भाई ये हंटर्स वाले भी अब उल्लू वाले से बराबर ही करने लगे हैं, क्या गजब के रोमांटिक सीन बनाते हैं। आपको एक के बाद एक पूरे बवाल वाले सीन देखने को मिलेंगे और ये वाला सीन भी पूरे 15 मिनट का है। और लास्ट में पता चलता है कि जया का जादू चल गया, जिसके कारण दोनों को ही मज़ा आ गया। अब कुछ दिनों बाद विवेक अपने बाऊजी की तेल मालिश करने लगता है और जया झाड़ू मारने लगती है। और इस बार भी उसके संतरे टकलू और विवेक को दिखने लगते हैं, जिन्हें वो बड़े प्यार से देखने लगते हैं। अब नंदिनी जया के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में अब सुख शांति जो आई है। और नंदिनी भी अब जया की तरह मटकने लगती है, जिसके कारण उनकी सास उन पर चिल्लाने लगती है। तो अब जया अपनी सास का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगवाने की बात करती है। अब वो इसके साथ क्या करेगी ये भी देखने वाली बात है। अब जया चाय लेकर अपने ससुर को देती है, जहाँ पर वो अपने संतरे उन्हें दिखाने लगती है। तो उसकी सास उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। तो जया इस बार बिल्कुल नंदिनी की तरह ही अपने सास को भी जलाने लगती है और जया की बातें सच में माँ जी के कान पर लग जाती है। अब जया चुपके से टकलू के पास जाती है और अपनी सास की सारी बातें उनको बताकर उनके साथ थोड़ी फ्लर्टिंग भी करने लगती है। मतलब कि ये जया तो साली एक नंबर की डायन है रे बाबा। इस बार जया दरवाज़ा बंद कर देती है और अपना जिस्म दिखाकर टकलू का पोपट खड़ा करवा देती है, जिसके बाद जया का प्लान सही जाता है। और यहाँ पर फिर से आपको टकलू और जया का पलंग तोड़ वाला सीन देखने को मिलेगा।
ये साला टकलू दिखने में तो बिल्कुल माचिस की तीली है, पर पावर तो पूरा झंडू बाम वाला है। ये टकलू हर तरीके से अपने छोटी बहू की पुंगी बजाता है, जिसके कारण जया को बहुत ही मजे मिलते हैं। और ये वाला सीन भी पूरे 15 मिनट का है। अब जया अपना प्रोग्राम ख़त्म करके बाहर निकलती है और अपनी सासू माँ को जाकर अपने पति को संभालने के लिए कहती है, नहीं तो वो हर रोज़ उसकी पुंगी बजाकर रहेगी। अब माँ जी अब अपने परिवार को बचाने के लिए कौन सा जुगाड़ लगवाएगी, ये भी देखने वाली बात है। नहीं तो ये साली जया सबको एक एक करके कच्चा चबा जाएगी। अब कुछ दिनों बाद नंदिनी और जया खाना बनाने लगती है, तभी वहाँ पर सासू माँ की एंट्री होती है और इस बार ये भी बिल्कुल एटम बॉम्ब की तरह मटक कर आती है, जिसे देखने के बाद दोनों की आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। मतलब कि माँ जी ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपना भेष ही बदल दिया, और वो अब आगे क्या करेगी ये भी देखने वाली बात है। अब जया नंदिनी के पास जाकर उसके कानों में कुछ कहती है और उसे मदद करने के लिए कहती है। अब ये दोनों कौन सा कांड करेगी ये तो आगे ही पता चलेगा। अब रात को जया अखिल को लाती है और नंदिनी विवेक को लेकर आती है, मतलब कि ये अब अदला बदली करके कौन सा वाला रोमांस करना चाहते हैं। भाई साहब, ये जया ने क्या गजब का प्लान बनाया है। जया ने और नंदिनी ने मिलकर बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। अब यहाँ पर आपको चारों का पूरा खतरनाक वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, और इधर माँ जी भी अपने पति को बचाने के लिए उनके साथ रोमांस करने लगती है। मतलब कि आपको वेब सीरीज के लास्ट में बिल्कुल धमाकेदार वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेंगे, जो कि पूरे 20 मिनट का है। तीन तरफ तीन पलंग तोड़ वाले सीन आपको देखने को मिलेंगे और सभी के सीन पूरे खतरनाक हैं। और इसी लास्ट सीन के साथ पार्ट टू की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको इस पूरे वेब सीरीज़ में एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त और रोमांटिक वाले सीन देखने को मिलने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपके सच में पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये पूरी वेब सीरीज़। मैंने पार्ट वन की भी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए और जल्दी से पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आपको पार्ट टू की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपको इस वेब सीरीज़ में शाना खत्री, लवप्रीत कौर और रानी परी मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, खास करके शाना खत्री और रानी परी के खतरनाक वाले आपको सीन इसी वेब सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। आपको ये वेब सीरीज़ हंटर्स ऐप पर मिल जाएगी, सो जाइए और जल्दी से देख लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती है अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।